तर हे कोण टिकोजीराव मध्ये बोलणार आहे? जाऊद्या भरत गोगावलेना जरा तरी एक एक दिवसाचं तरी मंत्रीपद लाभेल असं त्यांना वाटतं, त्याच्यामुळे तो विषय सोडा ते सोडा. त्यांचं जॅकेट फुकट झाले माफ बदलत लागली. एक थांब ना आता हिंदी मध्ये हा बोली ते नाही नाही मुख्यमंत्री हे काय म्हणायचं त्याला त्याला काय शब्द आहे ते चुकी म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने त्यांना चुकीच ठरवलेलं आहे, त्याच्यामुळे ते त्यांची प्रतिक्रिया ही पण तशीच आहे तेराच्या टोपलीत टाकण्याची. काय 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 त्यांना असं वाटत असेल घराणेशाही मोडीत काढली तर त्यांची गुलामशाही सुरू झालेली आहे. हे गुलाम आहेत गुलाम. डिस्क्वालिफिकेशन का वर्डिक आ चुका है, स्पीकर नार्वेकर जी ने किसी को भी डिस्क्वालिफाई नहीं किया है, क्या कहना चाहते? मतलब उनको मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई. मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है. और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है. अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है वो अभी देखना होगा. देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, मैंने कई बार कहा है. जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी. तो इन्होंने इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए, लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे. तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो यह फैसला मंजूर नहीं है. दो चीजें इसमें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही कटरेखा को निकालने का अधिकार होता है सर, लागू करने का, ये पहला सवाल आपकी घटना में क्या कहा गया. और 2018 ठीक है, लेकिन लेकिन पहले जो गद्दार है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो ही नहीं सकती, और इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए. मतलब जिसने डाका डाला वही कह रहा कि ये मेरा घर है. सर आगे की लड़ाई क्या सिर्फ कानूनी है और कुछ कैसे लड़ेंगे? नहीं देखो, इनका जो प्रयास है वो सिर्फ समय निकालना है, समय निकालना है. और मैंने जैसे पहले कहा कि एक तो पक्षांतर, जो पक्षांतर होता है पक्ष बदली करने का कानून है उसको अधिक मजबूत करना चाहिए था. इन्होंने तो खुलेआम राजमार्ग बना दिया क्योंकि इनको खुद का अनुभव है और शायद वो उनका आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं, आगे भी कुछ और पक्ष में जाना चाहते होंगे शायद. जर ज्या पद्धतीने आपण बघतो की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीमध्ये जवळपास वर्षभर केलं, त्याच्यानंतर आता राहुल नार्वेकरांनी अध्यक्ष म्हणून वर्षभर काढलं आणि ते सुद्धा सुप्रीम कोर्टनी जर का त्यांना जर मुदत दिली नसती तर त्यांनी आणखीन मला एवढंच आहे. मी म्हणून मी सुप्रीम कोर्टला विनंती करतोय की आपल्यासमोर या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत, आपण सगळ्या गोष्टी ऐकून यांना स्पष्ट शब्दात आदेश दिले होते की या तारखेला सुनील प्रभू आणि हे होते, त्या दिवशी काय परिस्थिती ती बघा आणि तसा तुम्ही निर्णय घ्या. तो न घेता त्यांनी त्याच्या बाहेर जाऊन प्रोसिजर बघितली, घटना हे ते त्या दिवशी व्हिप कोणाचा होता, कारण जर तुम्ही मग काय चोरलं मग चोरलत काय तुम्ही. आणि आजही माझं असं म्हणणं आहे की या लोकांमध्ये हिंमत नाहीये, स्वतःच्या ताकदीवरती स्वतःच्या वडिलांच्या नावावरती हे मतं मागू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना माझा पक्ष आणि माझ्या वडिलांचा चेहरा लागतो. ह्यांना हे काय मर्द नाहीये, हे गद्दार आहेत. जरूर जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं, जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है,
मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। सर विधानसभा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय सरकार पूर्णपणे संवैधानिक नागरिकता नाही, सुप्रीम कोर्टाचे आज शिक्कामोर्तब झाले। नाही नाही, त्यांचं म्हणजेच ते देवेंद्र फडणवीस सुद्धा सुप्रीम कोर्टाचा अपमान करतायत, कारण सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळेस जे सगळं म्हटलं होतं की राज्यपालांनी केलेल्या कारवाया सगळ्या चुकीच्या होत्या, सगळं काही चूक होतं आणि केवळ एक नाईलाज म्हणून त्यांनी यांना मान्यता दिली होती, म्हणजे हे सगळं बाद झालेलं सरकार आहे। ठीक आहे, मला असं वाटतं की एवढं पुरे आहे, पुढची लढाई लढणार आणि आम्हाला खात्री आहे की अजूनही सर्वोच्च न्यायालय हे निपक्षपातीपणाने जनतेला, लोकशाहीला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।